यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव हो चुका है, लेकिन अब यूपी विधान परिषद चुनाव की बारी है, जिसके लिए 21 मार्च को वोटिंग होनी है। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी जहां अपने सहयोगियों पर मेहरबान दिखेगी, तो वहीं सपा भी कुछ नेताओं को गिफ्ट देने वाली है। दरअसल 13 सीटों पर विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 मई को पूरा हो रहा है, जिसका नामांकन 4 मार्च से शुरू हो गया है और प्रत्याशी 11 मार्च तक नामांकन कर सकेंगे। बता दें कि इस चुनाव में एक प्रत्याशी को जिताने के लिए 33 विधानसभा सदस्यों की जरूरत होती है। उसके हिसाब से बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर 10 सदस्यों को आराम से विधान परिषद भेज सकती है। ऐसे में सबसे पहले योगी सरकार कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल को विधान परिषद भेजेगी, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस तरह से एक सीट तो अपना दल एसके खाते में जाना तय है, वहीं एक सीट जयंत चौधरी की पार्टी रालोद को भी दी जा सकती है। वहीं बाकी बची 8 सीटों पर बीजेपी मौजूद सदस्यों को दोबारा भेज सकती है। सपा 3 सदस्यों में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, पूर्व मंत्री बलराम यादव और बसपा से सपा में शामिल हुए गुड्डू जामवाली को उतार सकती है। तब की इस चुनाव में बसपा और कांग्रेस के शामिल होने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन इस चुनाव की खास बात यह है कि बीजेपी 10 और सपा 3 सदस्यों को चुनाव में भेजती है तो सब ठीक है, और इस हिसाब से बीजेपी के 10 और सपा के 3 सदस्य विधान परिषद में जाने तय हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव की तर्ज पर अगर बीजेपी ने खेल कर दिया तो 14वीं सीट पर चुनाव की नौबत आ जाएगी। खैर, अब आगे क्या होता है वो तस्वीर 21 मार्च को ही साफ हो पाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।